महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 11 दिन बाद भाजपा विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुन लिया है। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम फाइनल हो गया है। मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। शपथ ग्रहण कल यानी 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा। इसमें मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम शाम 5:30 बजे शपथ लेंगे। इनके साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे या नहीं लेंगे यह स्पष्ट नहीं है। महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद फडणवीस ने कहा, शुरुआत के 2.5 साल हमें कई तरीकों से परेशान करने की कोशिश की गई थी, ऐसे में भी हमारा एक भी विधायक टूटा नहीं और 2022 में फिर हमारी सरकार बनी। सीएम का नाम तय होने के बाद देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर जश्न शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ है, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। ये अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड इस प्रकार का मैंडेट महायुति को मिला। एकनाथ जी के नेतृत्व में शिवसेना की भी सीटें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी। अजीत दादा पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीटें भी बहुत अच्छी बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी को जो यश मिला है ये स्ट्राइकिंग रेट ऐतिहासिक हिस्टोरिकल है। माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम सब ने चुनाव लड़ा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह, माननीय नड्डा जी, इन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल गट के नेता के रूप में एक मत से, सर्वानुमत से देवेंद्र जी का चयन हम सब लोग ने मिलकर किया और आगे अभी सत्ता स्थापना का दावा भी करेंगे। देवेंद्र जी का नाम गट नेता करके आज उसका चुनाव हो गया है, उनका नाम एक मत से लिया गया है और अभी आगे के सब रास्ते खुल गए मुझे लगता है।